जी हाँ, इस बार मतलब आरती को तो इग्नोर किया ही किया है, बट माँ को भी इग्नोर किया है। और माँ को इग्नोर करके मैं अपने कमरे में आ गया हूँ, और वो बहुत ही हैरानी के साथ, पूरा फैमिली स्टंड है, एवरीबडी स्टंड कि ऐसा कैसे हो गया, हाउ कैन अंश इग्नोर हिज मदर। तो वो सीन हमने अभी शूट किया जहाँ पे मैं माँ को इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता हूँ, और माँ आती है मुझे मनाने कि तेरे साथ क्या हो गया, ये वो, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। सो वही इनर कॉन्फ्लिक्ट चालू है अंश के अंदर। आप तो देख ही रहे हैं शो में कि अंश बिल्कुल रेडी नहीं है शादी के लिए। जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में भी गया है कि वो घर से भी भाग गया शादी की बात जब आई, तो अंश बिल्कुल भी रेडी नहीं है शादी के लिए। मे बी जो अंदर का उसका थोड़ा बहुत डावंश अभी फ़िलहाल है, वो ही इज़ बिन हिप्नोटाइज बाई मुहाना एंड रूबी, दैट्स वाई वो हर एक चीज़ में हाँ में हाँ मिला रहा है। पिया पिया एक दैविक है। दैविक जब भी पास आती है तो जितने भी डावंश के गुण है वो सारे चले जाते हैं, एंड ही बिकम्स अ नॉर्मल गाय एंड ही फॉल्स फॉर पिया। तो जो वो जो दैविक शक्ति है वो उसे एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ले जा रही है। फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने शो को इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अंश को इतना प्यार दे रहा है। सो प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स एंड लव ऑलवेज, कीप वॉचिंग नज़र, 11 PM मंडे टू फ्राइडे स्टार प्लस। वेल, देखते जाए तो हर एक मर्द शायद शादी से पहले भागना ही चाहता है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट एज पर अंश कैरेक्टर, अंश इज़ अ वेरी लाइक इज अ वेरी मदर्स बॉय। वो अपनी माँ की कोई बात टालता नहीं है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर उसकी माँ उस पर प्रेशर डालेगी कि तू शादी कर ले, तो वो शायद कर भी लेगा। सो आई फील अंश फिलहाल, अब कौन सी साइड उस पर हावी होती है, डावंश वाली या अंश वाली, डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या करेगा।